वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत अच्छा। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। तो भाई वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर भाई अच्छी नहीं लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई वीडियो होने वाली है कि ओपन सीडीसी को ITF कंपनी लेती है नहीं लेती है। मतलब कि जैसे कि SCI होगी, मैं SCI में हूँ, मैं खुद सेलर हूँ SCI में, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो भाई वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो भाई इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो भाई वीडियो पूरी देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना। अगर भाई किसी भाई को गलत लगे तो भाई भी एक बार कमेंट करके बताना। तो भाई आज मेरे पास एक कमेंट आ रहा था एक दोस्त का, तो गोलू भाई का सुबह कॉल आई थी मेरे पास। तो गोलू भाई ने बोला कि रोहित भाई आप बता सकते हो कि ओपन CDC को कंपनी लेती है नहीं लेती है, कि मैं ओपन CDC कर रहा हूँ, आप मुझे बता सकते हो। तो हाँ गाइस, मेरे भाइयों, सबसे मैं बता रहा हूँ, तो ओपन CDC कंपनी लेती है पर विदाउट एक्सपीरियंस नहीं लेती है। आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो भाई आपको कोई भी कंपनी उठा लेती। सबसे पहले एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो जैसे कि जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा और जब तक आपके पास इंडियन वॉच कीपिंग नहीं होगी, इंडियन वॉच कीपिंग की वैल्यू होती है। तो इंडियन वॉच कीपिंग जब आपके पास आ जाएगी तो आप अच्छी कंपनी में अप्लाई करोगे तो आपको ले लेगी। लेकिन हाँ, फर्स्ट आपके पास ना बड़े GRT एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो आप बड़े जहाज पे सेलिंग करते हो, 10,000+ GRT का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ओपन CDC को सब कंपनी ले लेती है। सबसे पहले मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस। जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी है SCI, तो इसका भी कमेंट आ रहा था मेरे पास कि SCI ओपन CDC को लेती है नहीं लेती है। तो भाई SCI ओपन CDC को लेती है, उसके पास इंडियन वॉच कीपिंग होनी चाहिए और अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो पहली बात तो कोई भी कंपनी फ्रेशर को नहीं लेती। इसलिए नहीं लेती क्योंकि बंदे को काम करना नहीं आता, जहाज पे चला गया तो कोई हादसा हो गया, तो इसलिए कोई भी कंपनी ओपन CDC को या GP रेटिंग भी ओपन CDC किसी को नहीं लेती। कोई कितना भी बड़ा वो हो, चाहे वो 5 लाख वाला कोर्स करके जा रहा, फ्रेशर को नहीं लेती। तो मैं हूँ SCI में, तो भाई SCI कंपनी बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट कंपनी है। जो ITF कंपनी है तो वो तब भी नहीं लेती, आपको कंपनी ले लेगी। आपके पास फर्क चाहिए अच्छा एक्सपीरियंस। तो भाई मैं खुद सेलर हूँ, तो मैं भी सेलिंग करके आया हूँ। तो मेरे पास अभी दोस्त का SMS आते रहे थे, भाई अभी मैंने भी एक वीडियो बनाई थी आपके लिए कि मर्चेंट में कितनी सैलरी होती है। ये वीडियो मैंने डाल रखी है, आप वीडियो पूरी देखना। एक मैंने वीडियो अभी बनाई है, एक वीडियो मैंने बनाई थी कि मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइनिंग करे। भाई जो भाई नेवी ज्वाइनिंग करना चाहता है तो सबसे पहले वह वीडियो देखना। तो भाई सब वीडियो मैं नेवी से रिलेटिव लेके आता हूँ। तो भाई किसी भाई को अच्छी लगे तो भाई शेयर करना, अपने भाई को सपोर्ट करो यार। सारी मैं खुद सेलर हूँ भाई, मैं सेलिंग करके आया हुआ था, अभी मैं घर पे था, वरना मैं जहाज पे वीडियो बनाता था। तो घर पे थोड़ा हूँ तो भाई मैं सोचा आपके लिए के वीडियो ले गया, इसलिए बना रहा हूँ यार। मेरे दोस्त है गोलू, जो मेरा बहुत अच्छा फ़ैन है, सुबह उसके कॉल आई थी मेरे पास। तो उसने भाई मुझे कमेंट करके बोला था कि रोहित सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो मैं सोचा ला भाई मैं ओपन CDC की वीडियो बनाता हूँ। तो भाई SCI कंपनी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो ITF कंपनी है, बहुत कंपनी है, तो भाई लेती हैं, बट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब तक आपके पास इंडियन वॉच कीपिंग और अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको कोई भी कंपनी नहीं लेगी। फ्रेशर को तो SCI कभी नहीं लेती। अगर आप ओपन CDC और GP रेटिंग भी हो तो आपको फ्रेशर को कंपनी कोई भी नहीं लेगी। आपको वॉच कीपिंग निकालनी पड़ेगी और अच्छी कंपनी में जाके कोई छोटी मोटी कंपनी पकड़ लेना। भाई आपको छोटी मोटी कंपनी पकड़ोगे तो आप इंडियन वॉच कीपिंग निकाल लेना। बट हाँ, ये नहीं है कि आप 1,000-1,200 GRT के बाज पे सेलिंग करके आ जाओगे तो आपको एकदम कंपनी लेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको भाई 10-12 हज़ार GRT का टैंकर हो या कोई भी जहाज हो, बल्कि हो कंटेनर हो, तो कंटेनर होना चाहिए। तो भाई एक्सपीरियंस, सबसे पहले एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो भाई किसी भी भाई को कुछ भी पूछना है तो भाई कमेंट करके बता सकता है, मैं उसको अपना पर्सनल नंबर देता हूँ भाई बात करने के लिए। ये नहीं कि आप भाई इस भाई की कॉल आई मेरे पे सुबह 4 बजे कॉल कर रहा है यार, ऐसा ना करो भाई, 4 बजे कॉल नहीं करो भाई। नंबर दे रखा है मैंने, 10 बजे कॉल करे करो यार, 9-10 बजे जब भी टाइम लगे, 4 बजे कौन को कॉल कॉल करता है यार। तो भाई कोई नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दिल से। तो भाई वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। भाई जिस भाई को कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, और वीडियो शेयर करना।